दोस्तों, एक हफ्ता पहले मैंने एक पिक्चर अपलोड की थी और उसमें पूछा था कि इस पिक्चर में हीरो कौन है और हीरोइन कौन है, यानी कि इनके नाम क्या हैं। तो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने उनका जवाब दिया, लेकिन मैंने कहा था कि जो सबसे पहले और सही जवाब देगा उसको हम 1000 के प्राइस से नवाजेंगे। तो अभी देखते हैं किस किसने क्या जवाब दिया। अक्सा सर्वर कहती हैं कि ये वीना मलिक की पिक्चर है। उसके बाद जुनेद अली हैं, ये कहते हैं ये हबीब की पिक्चर है, यानी कि अदाकार हबीब हैं। उसके बाद अब्दुल हमीद हैं, ये कहते हैं कि रजा फाजली की, ये इस पिक्चर में रजा फाजली हीरो हैं जबकि हीरोइन रक्षंदा हैं। इन्होंने हमें जवाब दिया है 3 दिन पहले। उसके बाद हैं शहनाज अख्तर, शहनाज अख्तर कहती हैं कि इस पिक्चर में जो हीरोइन है वो निशो है। फिर आ जाते हैं नवीद अब्बास, वो कहते हैं कि इस पिक्चर में जो हीरोइन है वो बिंदिया है। सैयद आबद, ये भी मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी हर वीडियो को देखते हैं। इन्होंने 3 दिन पहले ये जवाब दिया था कि रक्षंदा खटक हैं और रजा फाजली हैं। और नीचे जाते हैं तो हबीब भट्ट हैं, वो कहते हैं ये बिंदिया है। फिर शराज भट्ट हैं, वो भी कहते हैं कि ये बिंदिया की पिक्चर है। फौजिया खान कहती हैं ये गुलाम मेयुद्दीन है। नईम खान, जी हमारे सब्सक्राइबर नईम खान कहते हैं ये लतीफ कपाडिया हैं। डॉल डॉल के नाम से किसी ने आईडी बनाई हुई है, उन्होंने पता नहीं रोबन गोश लिखना था लेकिन लिख दिया है गोभी गोश। चलें, आपने मजाकन लिखा है या आपसे गलती से लिखा गया है। और 2 दफ़ा उन्होंने 3 दिन पहले कमेंट्स दिए थे और फिर उन्होंने लिखा था गोभी गोश। जाहिद हुसैन है, लिखते हैं कि वन नेम रजा फाजली, यानी कि हीरो का नाम बता रहे हैं रजा फाजली हैं। इन्होंने हमें जवाब दिया था 3 दिन पहले, आज यानी कि डेट है 27 अक्टूबर। अभी और नीचे जाते हैं कमेंट्स की तरफ, तो अहमद हुसैन है, ये कहते हैं गुलामुद्दीन और बाबरा हैं। इसके बाद हैं एम खान, कहते हैं ये ओल्ड सिंधी एक्टर मुश्ताक चंगेजी और चकोरी हैं। सुंदस मुगल कहते हैं कि ये बिंदिया है। अरशद अली ने कहा है नहीं पता, हार गए, आप खुद बता दीजिए, और साथ प्लीज भी लिखा हुआ है। जी हाँ अरशद भाई, आपको बताएंगे इस वीडियो के आखिर पर जिसने सबसे पहले इस पिक्चर में मौजूद हीरो हीरोइन का सही नाम बताया था। शहनाज अख्तर हैं, अतिया फरियान हैं, इन्होंने जवाब दिया है कि ये फनकार हबीब साहब हैं, यानी कि माजी के मशहूर मरूफ अदाकार हबीब के बारे में ये बता रही हैं। फन फैक्ट्री के नाम से हैं आईडी बनाई हुई और इन्होंने कहा है ये महबूब आलम है जो पाकिस्तान टेलीविजन से आते थे। मोहम्मद सलीम कहते हैं ये हबीब हैं। चौधरी मुर्तजा साहब ने जवाब दिया है कि ये मोहम्मद अली हैं। साहिल खान कहते हैं ये बिंदिया हैं। और गाजिया, सॉरी अगर मैं गलत नाम पढ़ रहा हूँ, गाजिया मंजूर कहती हैं कि ये बिंदिया हैं। और फैमिली खान के नाम से आईडी बनाई हुई है, ये कहते हैं कि असलम परवेज हैं। नूर अफशा कहती हैं सुबहान भाई यूनस हैं। निगार फरूकी कहती हैं इब्राहिम नफीस हैं। हम बताते हैं कि इस हमारी पिक्चर पर सबसे पहले सही जवाब किसने लिखा था, तो उनका नाम है शाहजेब खान। इन्होंने 4 दिन पहले जब मैंने पिक्चर अपलोड की थी तो उस वक़्त इस पर सही जवाब दिया था। इस पिक्चर में हीरो का नाम है रजा फाजली और जबकि हीरोइन का नाम है रक्षंदा खटक, और ये पाकिस्तान की एक
माजी की पुरानी फिल्म है जिसका नाम था जेम्स बॉन्ड 008। ये फिल्म कुछ सस्पेंस से भरी थी लेकिन कामयाब नहीं हुई थी और इस फिल्म का शुमार फ्लॉप फिल्मों में होता है। राजीव खान साहब, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और मैंने अपने सब्सक्राइबर से जो वादा किया था कि सबसे पहले इस पिक्चर पर जो सही जवाब देगा उसको हम 1000 के प्राइस से नवाजेंगे। यकीनन ये रकम इतनी बड़ी नहीं है, अगर आप पहले से अच्छा खाते पीते हैं तो किसी गरीब को दे दीजिए। कंपटीशन का मकसद ये होता है कि हम एक दूसरे से जुड़े रहें और अपनी राय का इजहार कर सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन अभी आपने वीडियो मुकम्मल तौर पर देख ली है, अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।